भारतीय इतिहास का एक ऐसा युद्ध जिसमें 4000 नागा साधुओं ने मिलकर सैकड़ों अफगानी आक्रमणकारियों को धूल चटा दी थी। इस युद्ध में भारत माता की रक्षा करते हुए 2000 नागा साधु शहीद हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी इस युद्ध के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। दोस्तों, ये बात है सन 1757 की, जब मथुरा और वृंदावन को बर्बाद करने के बाद अफगानी आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली गोकुल को ध्वस्त करने के लिए निकला था, लेकिन गोकुल तक पहुंचने से पहले ही अफगानी सेना को 3000 त्रिशूलधारी नागा साधुओं ने रोक लिया। भस्मधारी नागा साधुओं को देखकर अफगानी आक्रमणकारियों ने उनको हल्के में ले लिया और हमला बोल दिया। देखते ही देखते रण संग्राम शुरू हो गया। नागा साधुओं ने अपने त्रिशूलों और तलवारों से अफगानी सेना के रक्त से धरती को लाल कर दिया। थोड़ी देर बाद अफगानी आक्रमणकारियों को यह लगने लगा था कि अफगानी सेना नागा साधुओं के सामने नहीं टिक पाएगी। इसके बाद वो अपनी हारी हुई सेना को लेकर वापस चला गया था। इसके बाद किसी ने भी गोकुल की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। नंबर दो, दोस्तों, भारत का एक ऐसा मंदिर जो दुनिया के अमीर मंदिरों में शुमार है, जहां पर छिपा है करोड़ों का खजाना, दरअसल केरल के तिरुवंतपुरम में स्थित स्वामी पद्मनाभ मंदिर भगवान विष्णु का सबसे बड़ा और रहस्यमयी मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में 7 दरवाजे मौजूद हैं, जिनमें से 6 दरवाजों को खोला जा चुका है, जिनसे 1,32,000 करोड़ का खजाना मिला, जिसे गिनने में आधुनिक मशीनें और कई लोगों की टीमें लगीं। लेकिन जब भी उस 7वें दरवाजे को खोलने की कोशिश की जाती, हर बार कोई न कोई अनहोनी हो जाती। इस दरवाजे पर न तो ताला लगा है और न ही कोई कुंडी। इस दरवाजे पर केवल 2 सर्प बने हुए हैं, जिसे एक चेतावनी के तौर पर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उस दरवाजे को नागपाश मंत्र से बांधा गया है, जो सिर्फ गरुड़ मंत्र से ही खुल सकता है। अगर उस दरवाजे पर कान लगाकर सुना जाए तो अंदर सांपों की सरसराहट और समंदर की लहरों जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। पुराणों के अनुसार उस दरवाजे को भगवान कल्कि ही खोल सकते हैं। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।